अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। वैसे तो साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन इनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। शारदीय नवरात्रि में तो कई जगहों पर माता रानी के बड़े बड़े पंडाल भी लगाए जाते हैं। इस दौरान माता रानी को तमाम पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। इन पकवानों में खास तौर पर मिठाइयाँ शामिल होती हैं। त्योहारों के दिनों में हर कोई मीठा खाना पसंद करता है, लेकिन दिक्कत सामने तब आ जाती है जब आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज होता है, वो चाहकर भी मिठाई नहीं खा पाता है। ऐसे में अगर शारदीय नवरात्रि में आप ऐसी मिठाई बनाना चाहते हैं जो डायबिटीज मरीज भी खा सके, तो आज हम आपको कुछ ऐसी मिठाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भोग आप माँ दुर्गा को लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आप सेब की खीर बना सकते हैं। सेब में पाई जाने वाली मिठास की वजह से आपको खीर में अतिरिक्त चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेट भरने के साथ साथ आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को भी बरकरार रखेगी। इसे तैयार करके आप माता रानी को भोग लगाकर व्रत में सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आप खजूर के लड्डू बना सकते हैं। खजूर काफी मीठा पहले से ही होता है, ऐसे में इसे तैयार करने के लिए आपको चीनी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आप बिना सोचे खजूर के लड्डू तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे बनाने के लिए आपको ढेर सारी मेवा की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप श्रीखंड बना सकते हैं। श्रीखंड खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है, ऐसे में अगर आपको भी ये पसंद है तो आप शुगर फ्री श्रीखंड बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप घर पर 5 मिनट में शुगर फ्री श्रीखंड बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए ताजे दही की जरूरत पड़ती है, जो खुद ही मीठा होता है। अगर आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ी सी चीनी को मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम की बर्फी बना सकते हैं। ये काफी पौष्टिक होती है। इसे बनाने में चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में इसे खाने से डायबिटीज रोगियों का ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने का खतरा काफी कम होता है। बादाम की बर्फी बनाने के बाद उसमें ऊपर से भी बादाम लगा सकते हैं। और आखिर में आपको बता दें, आप नारियल की बर्फी बना सकते हैं। नारियल में प्राकृतिक रूप से मीठापन होता है, ऐसे में आप बिना डरे नारियल से शुगर फ्री बर्फी तैयार कर सकते हैं। ये खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है, इसे बनाना भी काफी आसान होता है। ऐसे में बिना सोचे आप घर में ये बर्फी बना सकते हैं और माता रानी को इसका भोग लगा सकते हैं।